योगी आदित्यनाथ को लेकर ये हो रही थी कि अयोध्या, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि गोरखपुर कोई मजबूरी हो गई है या फिर ये फैसला क्यों? देखिए, हर फैसले के पीछे अपने अपने तर्क होते हैं और आपने जैसा सुना कि केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनके नाम का ऐलान करते वक्त क्या कहा, लेकिन पर्दे के पीछे से जाएं, प्याज के छिलके की तरह छिलका एक एक करके उतारते हुए अगर मैं कहानी बताऊं तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये मन बना लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब वो सीट कौन सी होगी, मथुरा की बात इसीलिए आई चूँकि वो मथुरा की तैयारी की बात करते थे, लेकिन अयोध्या में चुनाव लड़ने की बात हमने ही वो खबर कही थी और वो इसीलिए क्योंकि अयोध्या वो लगातार जाते रहते हैं ये बात नहीं थी, बल्कि सीएम ऑफिस के कुछ लोग वहाँ गए थे, वहाँ बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक हुई थी, बाकायदा मीटिंग हुई थी, चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्यों लड़ा जाए, किन मुद्दों पर लड़ा जाए, सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण, सब पर चर्चा हुई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या न होते हुए गोरखपुर चले गए। अब योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके इस बात के लिए बधाई भी दिया है और धन्यवाद भी किया केंद्रीय नेतृत्व का, संसदीय बोर्ड का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कहा जा सकता है, तर्क ये दिया जा सकता है कि गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रही है, गोरखपीठ के वो महंत हैं, वहीं से चुनाव लड़ते रहे, लगातार 5 बार सांसद रहे, लेकिन इतना तय है कि अयोध्या से अगर योगी चुनाव लड़ते तो इस बात का मैसेज पूरे देश में जाता। अब अगर वो गोरखपुर लौट गए हैं तो इसका जवाब सिर्फ योगी ही दे सकते हैं। श्री एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।